हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पैथन के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हां, पैथन बहुत ही पॉपुलर है और फ्री सॉफ्टवेयर है। आप गूगल में पैथन सर्च करेंगे तो पैथन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वेबसाइट, यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल आएंगे। तो मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे नए वीडियोस देख रहे हैं, सबके लिए हम पैथन हिंदी में इजीली और एक्सपर्ट लेवल की चीजें लेके आते हैं। तो अब पैथन जो आप सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप मतलब ऐसे ही नॉलेज के लिए या ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए आप सीखेंगे। पैथन मोस्टली लोग सीखते हैं जॉब के लिए। तो मेरी मानना है कि कोई भी कोर्स करें तो पहले उसके जॉब्स के बारे में देख लें। अब यहां पे हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम होती है कि हम पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर हम बिजनेस रिलेटेड जॉब ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि इंजीनियरिंग करने से पहले आप देखें कि जॉब देखें कि किस ट्रेड में किस तरह की वैकेंसीज आ रही है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, कुछ साल पहले अगर मैं 9-10-11 की बात करूं, 2009-10-11 में सैप फीको का बहुत डिमांड था और लोग सीख रहे थे, बहुत पैसे दे, लाख लाख रुपया देके उस समय सीख रहे थे, पर जॉब नहीं ले पा रहे थे। मेरे पास एमआईएस सैप करने के बाद बंदे एमआईएस के लिए आते थे। मैंने पूछा, तुमने सैप किया हुआ है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम एमआईएस के चक्कर में क्यों पड़े हुए, जाओ सैप डेवलपमेंट में। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि सैप की जो जॉब्स थी वो फ्रेशर को मुश्किल था। जॉब बहुत थी, सैलरी पैकेज भी अच्छे थे, बट ओनली फॉर एक्सपीरियंस होल्डर, कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। अगर ज्यादा आप फ्रेशर है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे जितने भी व्यूअर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जितने भी रिलेटिव है, कोई अगर आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको सजेस्ट कीजिए कि आप जॉब पोर्टल्स पे जाए, जैसे कि Naukri.com, ऐसे जॉब पोर्टल पे जाएं और जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं पहले उसको जॉब रिसर्च करें। जैसे कि मैं यहां पे पैथन फ्रेशर, हमने पैथन फ्रेशर को सर्च किया। अब सर्च करने के बाद देखिए यहां पे 56970 में 56,970 वीडियोज अवेलेबल है पैथन। अब इसमें चलिए कुछ जॉब को देखते हैं। हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक ओपन करते हैं और यहाँ कुछ वीडियोज, कुछ मैं जॉब में एक दो मत देखिएगा, एक दो देखिएगा दिक्कत हो जाएगी, कई सारे देखिए। तो हमने 5-7 यहां पे निकाला हुआ। तो पहला देखिए पैथन फ्रेशर पैन इंडिया। अब यहां पे देख रहे हैं कि पैथन के साथ साथ ये आपसे एसक्यूएल के बारे में भी मांग रहा है। तो पहले जान लीजिए कि सिर्फ पैथन से नहीं चलने वाला है, इसके साथ आपको एसक्यूएल भी होना चाहिए, क्योंकि पैथन जो है हर अलग अलग फील्ड में यूज होता है। जैसे वेब डेवलपमेंट में आप यूज कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में सिर्फ पैथन से काम नहीं चलेगा। यहां देखिए जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, सीएसएस भी आना चाहिए, एचटीएमएल भी आना चाहिए, जेएसन भी आना चाहिए। तो ये कंपनी आपको यहां पे भी मांग रही है। तो पैथन सीखने के साथ साथ ये चीजें भी सीखना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो देखिए 2.5-5 लाख की सैलरी दे रहा है। अगर आगे चलते हैं इसमें, अब देखिए यहां पर क्या है कि पैथन के भी कई सारे अलग अलग फ्रेमवर्क है। अगर पैथन अगर आप यहाँ पे लैंजो पे फ्रेमवर्क कर लेते हैं तो इसकी देखिए सैलरी पैकेज अच्छी है, 3 लाख से 7 लाख पर एनम का है। लेकिन ये भी आपसे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस 3 ऐसे वेब डेवलपमेंट चीजें मांग रहा है, तो सिर्फ पैथन से काम नहीं चलने वाला है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए इसने भी मांगा है, तो इसने फ्रेशर लिया है यहाँ पे, करियर आईटी एनी ग्रेजुएट विद 50% मांग रहा है और 16 से 2020 के बीच का पास आउट मांग रहा है। सैलरी जो है आपका 36 पर एनम के आसपास देगा, 15 से 20 हजार मान लीजिए आपको शुरुआत में मिलेगा।
देखिए इसमें आपको पैथन टेस्टिंग जावा .NET ये चीजें मांग रहा है। अगर चलते हैं अगली जॉब पे चलते हैं तो यहां भी आप देखें तो ए तो बीटेक एमटेक ही मांग रहा है, कंप्यूटर साइंस से आप आइए तो चलेगा। इसमें भी आपका ये आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम जावा एंड पैथन मांग रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पैथन फ्रेशर में अगर हम बात करें तो सैलरी डिस्क्लोज तो नहीं किया है लेकिन यहां भी इन्होंने पैथन लैंग्वेज के बारे में बताया, कंप्यूटर साइंस नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की और पैथन की नॉलेज चाहिए। तो इन शॉर्ट सिर्फ पैथन पे हमारे पास बहुत कम जॉब है। अगर पैथन वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको CSS .NET वगैरह आना चाहिए, पैथन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको SQL वगैरह आना चाहिए। ये तो हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं कि पैथन आखिर है क्या, किस तरह का चीजें पैथन यूज की करता है क्या। तो चलिए ये कुछ हमने नोट्स बनाए और हमने हिंदी में बनाए हैं चीजें क्योंकि मेरी जो मेन व्यूवर है वो नॉर्थ इंडिया से है और नॉर्थ इंडियंस हिंदी को प्रेफर करते हैं, मैं भी नॉर्थ इंडिया से ही हूँ, बिहार से हूँ। सबसे पहले पैथन क्या है, तो पैथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम स्क्रिप्टिंग मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आदि में किया जाता है। साथ ही ये जो है प्रोग्रामर्स के नए जमाने के प्रोग्रामर कह सकते हैं, नए जमाने के प्रोग्रामर्स के लिए नए जमाने के सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। इसका उपयोग हम वेब डेवलपमेंट से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के हर चीज में करते हैं। पायथन लैंग्वेज एक स्पष्ट साइंटेक्स रिलेबिलिटी के कारण आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइपिंग डायनेमिक बाइंडिंग जैसे बिल्कुल मैंने चीजों का सुविधा देता है। रिपीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। पायथन की हिस्ट्री की बात करें तो पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 के दशक में गाइडो वैन रोशम, प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, के द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में जो है ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में किया गया था। जी हाँ, ये नीदरलैंड का प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसको अमेरिका और यूके वगैरह से ले लेते हैं बट ये नीदरलैंड का प्रॉब्लम है प्रोडक्ट है। पैथन आविष्कार का आविष्कार ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रेरणा से ली, क्यों लिखे गए, क्योंकि जो आपके जो GVR मतलब कि गाइडो वैन रोशम जो थे वो काम करते थे, किसमें काम करते थे, आपको CWI सेंट्रम विक्सडम इंफोमेटिका कंपनी में काम करते थे और वो जो थे ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के टीम में थे, जो इसकी टीम डेवलपमेंट टीम थी उसके साथ में थे। तो वो ABC प्रोग्रामिंग के तर्ज पे ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे साथ है ABC प्रोग्रामिंग के प्रेरणा लेके, क्योंकि यह एक्सपेक्शन हैंडलिंग था अमेडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करने में सक्षम था। ऐसा माना जाता था कि पैथन लैंग्वेज जो है ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रभावित है। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है SETL नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इससे इंस्पायर था और ABC लैंग्वेज नीदरलैंड की CWI में बेसिक पास्कल को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, पास्कल को रिप्लेस बनाया गया था। और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जब ABC लैंग्वेज नीदरलैंड CWI में बनाया जा रहा था तब गाइडो वैन रोशम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के दौरान ही पाइथन लैंग्वेज का ख्याल आया और उन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाने के लिए ABC लैंग्वेज के प्रोजेक्ट के से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया। पाइथन के फीचर्स क्या है, चलिए उनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या है। आज के दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी उपलब्ध है जिसके कारण अक्सर हमें चुनने में काफी दिक्कत होती है कि कौन से पाइथन लें। ऐसे में जरूरत है फीचर और कंपेयर करने की, आपका देखना होगा कि किस में क्या विशेषता है। तो पाइथन की बात करें सबसे पहले इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी बाकी प्रोग्रामिंग के सीखने का उपयोग किया जाए तो ये पाइथन जो है दूसरी भाषाओं के विपरीत
पाइथन कोड आसान है क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग में होता है कि सीट्स डॉट सेलेक्ट रेंज डॉट कॉपी, तो हमें कॉपी करना है तो कॉपी डॉट डॉट कॉपी लिखेंगे, रेंज है मतलब एक सेल है तो रेंज कहते हैं तो रेंज लेते हैं, वर्कबुक्स डॉट ओपन एक फाइल ओपन करनी है तो मैं डॉट ओपन लगा दिया। ईजिली रीडेबल है, इंग्लिश भाषा से प्रेरित है, इंग्लिश है, आपको उसको समझना, कोई भी अगर उस कोड को देखेगा तो समझ जाएगा कि कोड कर क्या रहा है, क्योंकि कोड इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, कोई मशीन लैंग्वेज या कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, इजिली आपको पता चल जाता है। वो वर्ड जो हम आम इंग्लिश बोलचाल में यूज करते हैं उसी वर्ड को कोड के रूप दिया गया है, और ये आपको प्रोग्रामर फ्रेंडली कहा जाता है। अब यहां पे एक और है कि यहां पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब पैथन के शुरू के जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने के लिए कंपाइलर की जरूरत होती है। जी हाँ, आपको सी प्लस प्लस सी वगैरह सीखा होगा तो आपको कंपाइलर चाहिए होता है कंपाइल करने के लिए। जब रन करने से पहले हम इसको कंपाइल करते हैं दर रन होता है, बट पैथन में ऐसा नहीं है। पैथन में सोर्स कोड लाइन में लाइन चलता है, इसमें कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, अब एक्सप्रेसिव शब्द का उपयोग होता है कि अंडरस्टैंडेबल रीडेबल पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे पढ़ना समझना बहुत आसान है। कई ऐसे प्रोग्राम है जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं किया जाता परंतु पैथन में किया जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, पैथन जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। जैसे अब मैंने आप एक HTML पे साइट बनाई तो मैं उसको लिनक्स पे भी खोलूंगा, मैं उसको जो है अपनी वेबसाइट हमारी विंडोज पे भी खुल जाएगी, मैक पे भी खुल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैक के लिए मुझे अलग वेबसाइट बनाना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना पड़ेगा। सेम पैथन आप एप्लीकेशन बना दिया तो आपको सब पे वो वर्क करेगा, और ये ओपन सोर्स है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ओपन सोर्स है, इसमें आपको जैसे विजुअल बेसिक वगैरह होती है तो उसके लिए क्या है कि आपको विजुअल स्टूडियो परचेज करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। पैथन एक फ्री लैंग्वेज है, इसका टूल्स आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब पैथन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? पैथन का यूज हम करते हैं डेटा साइंसिंग, डेटा माइनिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि ओके गूगल बोलते हैं, हेलो अलेक्सा बोलते हैं, ऐसे AI बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे वेबसाइट आप खोलते हैं जहाँ पे आप जो चैट करते हैं तो रोबोटिक चैट होता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो ऐसे चीज़ों में यूज किया जाता है, खासकर वेब डेवलपमेंट में। पाइथन कैसे सीखे, तो देखिए जो फीचर्स है हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिलहाल तो ट्रेनिंग शुरू हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। आगे के वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि पाइथन कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, उसके लिए कौन सा मैंने कोडिंग करने वाला जो कंपाइलर होता है ये होता है कंसोल होता है उसको यूज करें, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस बताएंगे अगली क्लासेस में, अगली वीडियोस में। तब तक इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और मेरे साथ पैथन बहुत ही आसान भाषा में सीखिए, बिल्कुल खान सर की तरह। खान सर भोजपुरी यूज करते, मैं भोजपुरी यूज नहीं करता, हालांकि भोजपुरी जानता हूँ, बिहार से हूँ तो भोजपुरी तो जानता ही हूँ, लेकिन भोजपुरी यूज नहीं करता। खान सर भोजपुरी यूज करते लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करता। थैंक यू।